हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना क्वेश्चन है, एक घड़ी 12 घंटे बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, तो बताएं 6 घंटे बजने में कितना समय लेगी। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर, कंटिन्यू बने रहे अपने स्टडी जंक्शन के साथ। जैसा कि हम जानते हैं 12 घंटे बजाने में टोटल कितना अंतराल होता है, 11, क्योंकि हम जानते हैं 1 से 12 तक के बीच में डिफरेंट कितना हो गया, 11। इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 माइनस का 1 इक्वल टू 11, यानी 12 घंटे बजाने में टोटल कितना अंतराल होता है, 11 का अंतराल होते हैं। ठीक है, तो 11 अंतराल में लगा समय कितना है, 22 सेकंड। जो 12 घंटे बजाने का जो समय था ना, वो 22 सेकंड, वो 11 अंतराल में लिया गया समय है, यानी 22 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि एक अंतराल में लगा समय कितना है, 2 सेकंड, यानी एक अंतराल का डिफरेंट यानी 2 सेकंड का है। तो अब मैं पूछा गया था 6 घंटे बजाने में मतलब कितना समय लगेगा, तो हम कैसे पूछ ध्यान पता करेंगे कि 6 घंटे बजाने में अंतराल कितना हो गया, 5, यानी टोटल डिफरेंट हो गया 5, यानी 6 माइनस का 1 इक्वल टू 5, यानी 5 अंतराल हो चुके हैं। इसलिए 6 घंटे बजाने में लगा समय इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 सेकंड, क्योंकि 5 तो अंतराल हो गया और 2 सेकंड का अंतराल होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 सेकंड। ठीक है, ओके, इट इज़ करेक्ट आंसर। और स्टूडेंट्स, आप